हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था, सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया था हमने। ये क्लास आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की आखिरी क्लास है। इस क्लास के बाद अपन देखने वाले हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको को दूंगा, जो एक्सपेक्टेड है आने वाले सालों में, 2020 में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। सो बहुत अच्छा है, अपन बहुत स्मूथली चले हैं अभी तक, और अच्छा देखते हैं। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 2019, बहुत इस पर क्वेश्चन उठे कि क्वेश्चन बहुत बकवास आया था। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में एक गलती थी, केवल एक गलती, कि उसका टोटल मैच नहीं था। क्रेडिट साइड आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, उसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों मैच करने चाहिए थे, बट वो गलती थी, केवल एक गलती। सो आपको उस गलती के कारण वो क्वेश्चन ऐसा तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। दूसरा कारण इस क्वेश्चन को ना करने का या फिर इसे घबराने का, ये कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल पूछ रहा है। अपन शुरू से देखते हुए, और अपन ने पिछले 3 4 क्वेश्चंस कर भी लिए, आपको आई गेस थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है कंपनी में। कुछ नहीं होता, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट, लाइबिलिटीज और असेट लिखते हैं अपन नॉर्मल अदर देन कंपनीज की बैलेंस शीट में। कंपनीज की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज को ऊपर, असेट्स को नीचे, वहां अपन पैरेलल ही लिखते हैं लाइबिलिटीज एंड देन असेट्स। वह यहाँ पे लाइबिलिटीज आफ्टर देन असेट्स, सो लाइबिलिटीज को ऊपर, असेट्स को नीचे लिखते हैं, बस यही है फॉर्मेटिंग। वहां अपन टी फॉर्मेट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं, कि दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक। बट यहाँ वर्टिकल है, पूरा एक ही साथ लाइबिलिटीज देन आपके बाद असेट्स, ठीक। अपन ने एक ट्रिक जो अपनाई है वो अपन हमेशा करेंगे, अंदर का आइटम एक जगह, बाहर का आइटम दो या उससे ज़्यादा जगह। अब ये क्वेश्चन था ना, इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको पुट करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर, चार कैटेगरीज में आइटम आते हैं, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते, इनकम एक्सपेंस और आपका असेट लाइबिलिटीज। इनकम एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में और असेट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में, सिंपल। सेम ऐसे पी एंड एल अकाउंट पूछा हुआ है। पी एंड एल का फॉर्मेट वैसे अपन का देखते हैं, खर्चा इनकम, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, इनकम को ऊपर लिखे, खर्चों को नीचे लिख दीजिए, खत्म हो जाती है वहीं पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आइए मैं करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन पूरा क्वेश्चन कर ही देते हैं कवर, अपन को वही पैटर्न चलाना है अपना, कि जब कभी बड़ा क्वेश्चन आए तो 2 पेजेस में लीजिए। आइए देखते, पहला बैलेंस शीट, यहाँ पे एक और नई चीज थी, बेसिकली 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 का दो जगह का डेटा दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं, अपन 1 साल की बैलेंस शीट बना रहे, 2 साल की बन जाएगी। इसे बोलते हैं कंपेरेबल बैलेंस शीट, जहां आपको करंट ईयर के फिगर के साथ साथ पिछले साल के फिगर भी दिख जाएं, तो आप कंपैरिजन कर पाएं कि हमारी पोजीशन कैसी है, बेटर हो रही है या बिगड़ रही है, ठीक। हर कंपनी को बनाने का लाइबिलिटी होती है कि कंपेरेबल बैलेंस शीट बनाई अपनी, आरओसी में लाइबिलिटी होती है, बट स्टिल कुछ दिक्कत नहीं, अंतर ही क्या है। एक नॉर्मल बैलेंस शीट तो बनाते ही आ रहे हैं अपन, एक उसके बगल में साइड में एक पिछले साल का फिगर और लिख दीजिए, सिंपल बस। आइए देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस है ये। ट्रायल बैलेंस में आइटम कहाँ से आते हैं, लेजर्स में। लेजर में कहाँ से आते हैं, जनरल एंट्री से। इसका मतलब जनरल एंट्रीज हो चुकी, ये अंदर का आइटम है, ठीक, एक जगह जाएगा, क्लियर। जनरल एंट्री नहीं होती तो अपन सोचते दो या उससे जगह ज़्यादा जाते, एडजस्टमेंट्स में, जैसे अपन ने पिछली क्लासेज में देखा था। 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट बनानी है और पीएनएल बनानी है 31 मार्च 2018 का, कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट के हिसाब से। कुछ भी नहीं है कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट, अपने एग्जाम्पल ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, शेड्यूल 3 वगैरह में बहुत कुछ है, बट अपने एग्जाम में जितना आता है ना उसमें कुछ भी नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों बैलेंस शीट में। आपको बस फॉर्मेटिंग का एरर चेक करना है, बस कंप्लीट, ठीक। तो ये क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, क्रेडिट बैलेंस में कौन कौन से आते हैं, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, और डेबिट साइड में असेट और आपकी एक्सपेंसेस, सिंपल है। चलिए आइए देखते हैं, तो बैलेंस शीट बनानी, एक पेज पे बैलेंस शीट करेंगे अपन और दूसरे पेज पे अपन कराने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे अपन नॉर्मल फॉर्मेट में बनाते थे, खर्चा इनकम और आपका यहाँ पे लायबिलिटीज और असेट्स, यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मेट बनाना है, ठीक। पहले लायबिलिटी, उसके बाद आपका असेट, एक नई चीज़ और है बस इसमें, कि 2 साल की बनानी है आपको। सो एक मैंने जैसा इनका फॉर्मेट है ना वैसे ही लेके चलिएगा, पहले 17 फिर 18 ऐसे मत कीजिएगा, पहले 18 फिर 17, तो अपन को अमाउंट पुट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, चले, ये था आप यहाँ इसके नीचे बैलेंस आएंगे 31 18 के,
और उसके बाद 31-17 के कंपेरेबल बैलेंस शीट बोलते हैं इसे, या कंपेरेबल और एक दूसरा और नाम होता है इसका करस्पॉन्डिंग, आई गेस करस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट इसको बोला जाता है, कि आपकी करंट ईयर के साथ साथ पिछले साल के फिगर्स या फिर और मल्टीपल ईयर्स के फिगर्स दिख जाए। बेसिकली सारी एनालिसिस कैसे होती है, कंपैरिजन से ही तो होती है। पिछले साल आप अपना कंपैरिजन किससे करेंगे, अपने पिछले साल की सैलरी से और इस साल की सैलरी को कंपेयर करेंगे कि मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं, ठीक। और दूसरा कंपैरिजन कैसे करते हैं, आपके लेवल पे कोई और ऑफिसर है उसकी सैलरी कितनी है और मेरी सैलरी कितनी है, तो ऐसे ही तो कंपेरिजन होता है, एक इंटरनल कंपेरिजन और एक एक्सटर्नल कंपेरिजन। ये क्या है इंटरनल कंपेरिजन, कि हम पिछले साल का डेटा को इस साल से कंपेयर कर रहे हैं, इकतीस तीन सत्रह और 31-3-18, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अपन को सेम वे में ही पुट करना है जैसे अपन करते हुए आ रहे हैं शुरू से क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं, अंदर का आइटम एक जगह, ट्रायल बैलेंस में चार चीज़ें आती हैं, असेट लायबिलिटीज जाएंगी बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंस जाएगा पी एन एल में, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल 900 और 1000 रुपीज़ लैक्स में लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं, एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, रुपीज इन लैक्स, तो हमको भी 0-0 के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, रुपीज इन लैक्स, क्लियर है। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 900 और 1000 की, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए इक्विटी क्या होती है, लायबिलिटी, कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी, मालिकों को कभी ना कभी पैसा वापस देना है, तो लायबिलिटी ऊपर आती है, और असेट नीचे आते हैं। अच्छा कितनी लाइन छोड़ें ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप देख लीजिए ग्रफ फिगर लग रहा है कि 10-12 लाइन छोड़ सकते हैं आप लायबिलिटीज़ के लिए, या हाफ ऑफ पेज में स्प्लिट कर देंगे तो और बेटर रहेगा, लायबिलिटीज देन आधे पेज के बाद असेट, ठीक। ऐसे ही आपका यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में पहले इनकम्स और उसके बाद का नीचे आएगा आपका इसका एक्सपेंस। अब इनकम में इतनी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तीन चार ही इनकम है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 4-5 लाइन छोड़ दी, फिर एक्सपेंसेस कंपेयर कैसे करते हैं, टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंस से कंपेयर करते हैं ताकि आपका प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ जाए, बस सिंपल है, ठीक। ये 18 है, ये 17, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्विटी कैपिटल दिया हुआ 900 और 1000, ये क्या आपकी लायबिलिटी बिजनेस के लिए, कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी के नीचे पहला पॉइंट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 900 और 1000, ठीक। उसके बाद शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, देखिए एक और क्लॉज होता है, यदि आप चैप्टर वन का आखिरी पेज देखेंगे तो वो कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं सब आइटम्स, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं कंपनी के, इसमें वो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। प्रोप्राइटरशिप में अपन प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ देते थे, बट कंपनी के केस में आपको सेपरेट रखना पड़ता है, एक ये नया पॉइंट आपको याद करना है, ठीक। सो इसका नया पॉइंट मैं बना सकता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। नीड नहीं है, आपको लग रहा है नहीं जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 100% मार्क्स लाने की जरूरत भी नहीं है अपन को, अपन को 60% से 80% के बीच में मिला बहुत है, ठीक। सो मैं मानता हूँ कि फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इशू नहीं, मैटर नहीं करती, बट थोड़ा लिटिल बिट मैटर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मैटर नहीं करती। आइए रिजर्व एंड सरप्लस है 500 रुपये के, लिखते हैं दूसरा पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस, मैं नहीं हेड नहीं बना रहा, सीधा लिख रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस कितना 500, और ये वाले साल में कितना था 500। अंदर का आइटम एक एक जगह, एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, रिवैल्यूएशन किया था आपने, आपको लग रहा था कोई ज़मीन 9000 करोड़ की थी, अब वो 10000 करोड़ की हो गई है, ठीक। तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो अल्टीमेट प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी, मालिकों को चुकाना पड़ता है, तो लायबिलिटी साइड में ही आएगा तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक। कितना है ये 1000 और पुराने साल का 0 था, चौथा पॉइंट। फिर क्या दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन क्या, बिजनेस के लिए लायबिलिटी, पैसा लिया है, लोन का मतलब पैसा लिया, लायबिलिटी है पैसा चुकाना है फ्यूचर में, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, सॉरी सिक्योर्ड का मतलब क्या, कुछ गिरवी होगा यहाँ पे, ठीक। कितना 8000 और 5000, तो सिक्योर्ड लोन, आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा, सिक्योर्ड लोन 8000 और 5000, थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा,
अगला पॉइंट अनसिक्योर्ड लोन है, 0 और 3 हज़ार, ये भी लायबिलिटी है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, कुछ यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ, विदाउट एनी कोलेटर। अनसिक्योर्ड लोन 0 और 3,000, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। देखिए अभी हमने P&L अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या है, ये पुराने बैलेंसेज हैं। इसका मतलब पुराने साल के बैलेंसेज हैं, प्रॉफिट अभी बांटे नहीं है, बांटेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं ना, 2400 और 0, ठीक। तो अभी लिख देते हैं यहाँ पे छठवा पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इसका बैलेंस सीधे बाहर, 2400 और 0, इस साल के प्रॉफिट और लॉस जो होंगे वो उसमें जोड़ देंगे, ठीक। क्लियर। पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको अंदर भी लिख सकते थे अमाउंट को, ठीक, अंदर लिख देते हैं 2400, और इस साल का जो भी एडजस्टमेंट आएगा वो अपन देखेंगे, और दूसरे साल का कितना है 0 प्लस, जो भी जोड़ेगा इस साल का वो अपन बाहर लिख देंगे, क्लियर। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी, इनसे उधार माल खरीदा था, लायबिलिटी है, पैसा चुकाना है, कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में, 3300 और 2100। सातवां पॉइंट, इन्हें बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है। 3300 और 2100, ठीक। उसके बाद अगला सेल्स है, 6500 और 5400 रुपये की। तो सेल्स कहाँ जाती है आपके P&L में, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड आइटम्स P&L में। सेल्स इनकम है आपकी, सेल्स 6500 और 5400, 6500 और 5400, क्लियर है। चलिए अगला, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होती है आपको मालूम है, ठीक। तो परचेज कहाँ लिखेंगे, खर्चे में कहीं परचेज लिखेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, एक्सपेंस साइड लिखेंगे परचेज, उसमें से माइनस हो जाएगा परचेज रिटर्न, ठीक। कितना, इस पॉइंट को अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, जब परचेज आएगा तब देखेंगे, इसको होल्ड पे डाल दिया, स्टार बना दिया। डेप्रिसिएशन है आपका, देखिए ट्रायल बैलेंस डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगाते हैं, बट ये डेप्रिसिएशन आपको P&L में ही दिया हुआ है, ठीक। और ये डेप्रिसिएशन को भी होल्ड पर डालिए, अभी एक पॉइंट समझाना है मुझे, इसमें समझाऊंगा। इंटरेस्ट है आपका, खर्चा है इंटरेस्ट 150 और 100, कहाँ आएगा, एक्सपेंस के नीचे, इंटरेस्ट 150 और 100, क्लियर है। चलिए डेढ़ सौ और सौ। उसके बाद कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट होता क्या है, सॉरी इंटरेस्ट, माय मिस्टेक, इंटरेस्ट लिखा किस साइड है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है ना। सो ब्याज आपको मिला है तो इनकम होता है, ब्याज आपने पे किया है तो खर्चा होता है, यहाँ क्रेडिट साइड लिखा हुआ है इसका मतलब इनकम है, लेकिन इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, खर्चों का बैलेंस डेबिट होता है। तो ये खर्चे साइड नहीं आना चाहिए था इंटरेस्ट, कहाँ आना चाहिए था, इनकम वाली साइड, ठीक। तो यहाँ भी काट दीजिए इसको, इंटरेस्ट कितना 150 और 100, ठीक। और उसके बाद कार्बन क्रेडिट, ये क्या होता है, कार्बन क्रेडिट मतलब एक गवर्नमेंट से आपको कुछ सब्सिडी मिलती है कि आप अपने यहाँ चिमनी को कम जलाइए, ठीक, या फिर अपने यहाँ से धुआं या एयर पोल्यूशन कम कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसके कारण पॉल्यूशन ना हो, तो उसके कारण आपको नए नए इक्विपमेंट्स लगाने के लिए पैसा मिलता है, तो इस सब्सिडी के रूप में पैसा मिला आपको। इनकम है 1200 और 900, कार्बन क्रेडिट इनकम है, तो इनकम के नीचे अंदर का आइटम एक जगह, 1200 और 900, ठीक। आइए अगला वाला पॉइंट, क्रेडिट साइड पूरी हो गई, दो पॉइंट को छोड़ के, इन दो को देखते हैं अभी अपन आगे। फ्री होल्ड लैंड दी हुई है 1750 रुपये की और 750 की। फ्री होल्ड लैंड क्या है आपकी, फिक्स्ड असेट्स है, असेट के नीचे पहला पॉइंट, फ्री होल्ड लैंड 1750 और 750। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 8700 की, प्लांट एंड मशीनरी दूसरा पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी कितना 8700, ठीक। उसके बाद पेटेंट टेक्निकल नो हाउ, ये भी आपकी फिक्स्ड असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं इनको, ठीक, 1000 और 0, असेट्स में ही आ जाएगा 3। पेटेंट ट्रेडमार्क
मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है वैसे तो, 1,000 और 100, 1,000 और 0, सॉरी। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। कितना है? 300 और 200, सॉरी 1,300 और 1,200। इसमें मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन से आपको एक पॉइंट समझाना है, ठीक। तो ये एक लाइन छोड़ के लिख दिया मैंने। चौथा पॉइंट आपका इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिख, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं आप। इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री 1,300 और 1,200, ठीक। चलिए, उसके बाद कैश इन हैंड है, करंट असेट्स है, असेट में जाना चाहिए, बैंक बैलेंस असेट में जाना चाहिए, सन्डे डेटर असेट में जाना चाहिए। तो तीनों आइटम एक साथ डाल दीजिए आप, कैश, बैंक और डेटर। पांचवा कैश, छठवा बैंक और आपका सातवां पॉइंट डेटर्स। क्लियर? कितना कितना अमाउंट है? 20, 180 और 2,700, 20, 180 और 2,700, ठीक। और पिछले साल का 25, 150 और 1,900, 25, 150 और 1,900, ठीक। चलिए, उसके बाद परचेज है 4,300 और 3,200 रुपये की। परचेज आपका खर्चा होता है, कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में, एक्सपेंस वाली साइड में। परचेज, परचेज कितना है आपका? इस साल का परचेज था आपका 4,300, और रिटर्न भी है हल्का डिस्कस कर लेते हैं, 300 रुपये। सो इस साल का परचेज है 4,000, सॉरी 4,300 माइनस 300, ठीक। और पिछले साल का कितना है? पिछले साल का है आपका 3,200, और रिटर्न कितना है? 200। तो 3,200 माइनस 200, रिटर्न माइनस हो जाता है। तो नेट परचेज कितनी आ गई? इस साल का 4,000 और पिछले साल का 3,000, ठीक। चलो, उसके बाद लाइन से चल रहा है, कुछ भी नहीं छूटेगा। वेजेस आपका खर्चा है 2,400 और 2,000, लिखते हैं वेजेस 2,400 और 2,000, ठीक। उसके बाद पावर एंड फ्यूल खर्चा है, डीजल वगैरह लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 900 और 600। पावर एंड फ्यूल 900 और 600, ठीक है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 600 और 500, खर्चा है एक्सपेंस के नीचे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 600 और 500, ठीक। सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 1,100 और 900, सेल्स एक्सपेंस 1,100 और 900। अंदर का आइटम एक एक जगह। इंटरेस्ट आपका खर्चा है 800 और 800, इंटरेस्ट ऊपर ही लिख चुका था, अमाउंट काट दिया था बस मैंने, तो यहीं लिख देते हैं 800 और 800, ठीक। नॉर्मल आपको प्रोप्राइटरशिप वगैरह में और ज़्यादा काम करना पड़ता है। काम कैसे? आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में स्प्लिट करना पड़ता है। परचेज आपकी ट्रेडिंग में आती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके नीचे पी एंड एल में आते हैं। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना, खर्चों को एक ही हेड है यहाँ पे और इनकम का एक ही हेड है। ट्रेडिंग और पी एंड एल में भी स्प्लिट नहीं करना आपको, ठीक। चलिए, आइए देखते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट हो गया, पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंस है 300 और 100। पर्सनल है तो बिजनेस में क्यों लिखे हुए? इसका मतलब बिजनेस ने खर्चा किया उनका। देखिए, डायरेक्टर को सैलरी देते हैं, उसके बदले उसका कुछ खर्चा कर दिया, तो ये बेसिकली सैलरी ऑफ डायरेक्टर है। खर्चा है बिजनेस का। डायरेक्टर कौन होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस के लिए। खर्चा है बिजनेस का, यस। तो खर्चे में लिख दीजिए सैलरी ऑफ डायरेक्टर, कितना? 300 और आपका 100 रुपये, ठीक। सारी चीज़ें हो गई, अंदर का आइटम एक एक चीज चला गया, डेप्रिसिएशन रह गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स को कम कर देता है, तो यहाँ पे भी वही होगा। डेप्रिसिएशन से फिक्स्ड एसेट्स को कम कर दीजिए, जो आपने असेट लिखी हुई है उसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। ठीक, आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन खर्चा भी तो होता है। देखिए, ये है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग रहा है क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है कि ये डेप्रिसिएशन खर्चा है या नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग रहा है मुझे। देखिए, कभी भी आपकी असेट की वैल्यू कितनी है? 8,700, 1,700 और 1,000, लगभग करीब 11,000। 11,000 पे 40% अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगेगा, 46%, ठीक। सो
ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन मिला के, इसका मतलब ये सारी असेट्स कॉस्ट पर है और ये डेप्रिसिएशन है आपका, ठीक। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स में से माइनस होता है, नॉर्मली हम खर्चे में ले जाते हैं लेकिन ये एक्यूमुलेटेड लग रहा है, ठीक। सो और आप देख पा रहे होंगे हमारा प्रॉफिट इतना भी नहीं है, करीब 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आया तो आएगा, लगभग अंदाजा मालूम पड़ रहा है, वैसे तो लग रहा है लॉस ही आएगा, ठीक। बट डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा लॉजिकली चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स में से कम कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब पूरी ज़िंदगी में अभी तक उन असेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन खर्चा है लगाइए और फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, दो जगह इंपैक्ट जाता है इसका, ठीक। ये क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहला ऑप्शन था डेप्रिसिएशन लगाइए और फिक्स्ड असेट्स को कम कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन होता है डेप्रिसिएशन लगाइए फिक्स्ड असेट्स को कम मत कीजिए, फिक्स्ड असेट्स को कम करने के बदले एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट कर दीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लास्ट क्लास में अपन ने जैसे डिस्कस किया था, ठीक। सो अल्टीमेटली माइनस वो फिक्स्ड असेट्स में से ही होता है, बट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक। सो ये 4600 और 3480, 4600 माइनस होगा, ये डेप्रिसिएशन माइनस असेट की वैल्यू को कम कर देता है, 3480, ठीक। चलिए यहाँ आप लिख सकते हैं नेट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, ये अपना क्लोज हो गया, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, वैसे ही जैसे करते थे, पहले पीएनएल अकाउंट बंद कीजिए, यहाँ से जो बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में ले जाइए और बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए, मैच कर गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो अपन फिर डिस्कस करेंगे, ठीक। सो इनकम कितनी है आपकी, टोटल इनकम इसे बोल रहे हैं ए, ठीक, कितना, 6500 और 150 और 1200, 1350 और 7850, ये आपकी इनकम है, टोटल इनकम 5400 और 100 और 900, 6400, ठीक, इसे ए नाम दे दिया मैंने। उसके बाद टोटल एक्सपेंस कितने हैं आपके, सबको जोड़ देंगे, टोटल एक्सपेंस इसको नाम दे दिया बी, आठ सौ प्लस 4000 प्लस 2400 देन 900 उसके बाद 600 फिर 1100 उसके बाद 300, 10100 रुपये का यहाँ का खर्चा है, 10100, ठीक। खर्चा ज़्यादा है इनकम से, देखेंगे इस साल का खर्चा कितना, पुराने साल का 800 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस आपका 600 देन 500 उसके बाद 900 प्लस 100, 7900, यहाँ पे भी आपका खर्चा ज़्यादा है इनकम से तो क्या निकलेगा, खर्चा ज़्यादा है इनकम से तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा ऑब्वियसली, ठीक, नेट लॉस ए माइनस बी, इनकम में से खर्चों को माइनस कीजिए, नेट लॉस कितना है आपका, 7850 माइनस 10000, 100, 2250 रुपये का नुकसान है, ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस को। उसके बाद यहाँ का 6400 की इनकम थी, 7900 का खर्चा, 1500 रुपये का नुकसान, ठीक। ये नुकसान कहाँ जाएगा, वैसे प्रोप्राइटरशिप में हम लोग कैपिटल में एडलाइज करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे क्योंकि पीएनएल अकाउंट अलग बना हुआ है, अलग लिखते हैं यहाँ पे, तो उसी में एडजस्ट कर देंगे। इस साल का नुकसान कितना, 2400 में से माइनस, प्लस तो होगा ही नहीं, माइनस होगा 2250, ठीक। तो इस साल का कितना आ जाएगा, 2400 माइनस 2250, 150 रुपये प्रॉफिट का बैलेंस बचा बस, ठीक, 150 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट जीरो था, इस साल का तो नुकसान ही है 1500 रुपये। सो यहाँ पे नेट बैलेंस माइनस का 1500 बचा, ठीक। जब कभी भी नेट बैलेंस माइनस का है ना, सो आपको मालूम होगा मैथ्स में अपन ट्रिक करते थे, यहाँ प्लस का लिखा हुआ है, इक्वल के बाद जाने के बाद माइनस में लिख देते थे, है ना, ऐसे ही आपके पास यदि माइनस का फिगर है तो दूसरी साइड लिख दीजिए, लायबिलिटी की जगह असेट वाली साइड लिख दीजिए पॉजिटिव में, ठीक। इसे पी एन एल का डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, आप अभी यहीं लिख रहने दीजिए, कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक। टोटल करते हैं, सारी चीज़ आ गई, यहाँ बैलेंस अपना मैच कर गया तो अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक। आइए, 900, 500, 1400 और 1024 और 8000, 10400 और 150 और 3300, 900, 500, 1000, 8000 देन आपका 150 और 3300, ये होता है 13850, ठीक, 13850, कुछ छूटा नहीं ना, एक आइटम छूट गया, मतलब शेयर प्रीमियम छूट गया,
हजार और जीरो, वो मैंने लिख ही नहीं पाया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4A, शेयर प्रीमियम। हमने रिजर्व को उठा लिया, शेयर प्रीमियम को नहीं उठाया, 1000 और जीरो। तो ये कितना हो गया, 1000 और जोड़ दीजिए, 14850 हो गया। ठीक, उसके बाद ये था आपका टोटल लाइबिलिटीज। इसको नाम दे देते हैं ए, 14850। ठीक, असेट का टोटल करते हैं, पहले एक साल को कंप्लीट कर रहे हैं, 1750 प्लस आपका 8700 प्लस आपका 1000 माइनस 4600 डेप्रिसिएशन का प्लस 1300 फिर 2000 फिर 180 फिर 2700, ये आता है 11050 रुपये। डिफरेंस आ गया, यहाँ 11050 है, उधर 14850 है, 3800 रुपये का डिफरेंस क्यों है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए 1500 और 5000, 1500 प्लस 5000 6500 फिर 3000 माइनस का 1500 माइनस कर देते हैं प्लस 2100, ये आता है 10100। ठीक, चलिए 750 प्लस 8700, ठीक माइनस का 3480 डेप्रिसिएशन का फिर 1200 फिर 25 फिर 150 और उसके बाद 1900, दिस कम्स टू 9245, 9245 डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस है 9245 और 10100 में कितने का डिफरेंस है, ये करीब आपका 100 रुपये और 755 रुपये, 855 रुपये का करीब करीब डिफरेंस है। ठीक, रीज़न क्या है डिफरेंस का, बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक, और ये कभी आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच ना करे, जो सबसे बड़ा बैलेंस है उसको लेके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एरर हुई होगी। ठीक, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या था ना, आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल शुड इक्वल टू क्रेडिट का टोटल। ठीक, देखते हैं, 900 और 1000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस आपका 8000 देन 2400, उसके बाद अपन आते हैं 3300 फिर 6500 और उसके बाद है 300 फिर 4600 एंड देन 150 और 1200। इस सेट का टोटल आ रहा है 29850, इस सेट का टोटल भी 29850 होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत वाला बात है। ये देख, 1750 प्लस 8700 प्लस 1000 प्लस 1300 प्लस आपका 20 रुपये प्लस 180 देन 2700 फिर 4300 और उसके बाद अपन आते हैं 2400, 900 और 600 और आपका 1100 और उसके बाद 800 प्लस 300, दिस कम्स टू 26050 रुपये। ठीक, डिफरेंस आ गया 3800 रुपये का, इन दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो 3800 का डिफरेंस है, वही डिफरेंस था अपना आंसर में, 14850 और 11050 में डिफरेंस 3800 का, ये बैलेंस मैच करना चाहिए था। ये ही एक एरर थी जिसके कारण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब ये एरर तो मैं नहीं कहूँगा, बैलेंस शीट का टोटल मैच करना फाइनल आंसर नहीं होता, उसको आप इग्नोर भी कर सकते थे, एक आध नंबर ही कटता, बट स्टिल क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक, चलिए ऐसे ही सेट का टोटल लगाते हैं, 1000 प्लस 500 और उसके बाद आपका 5000 फिर आता है 3000 फिर 2100 आता है फिर 5400 आता है फिर आपका 200 आता है और फिर आपका 3480 आता है फिर 100 आता है और फिर आपका 900 आता है। ठीक, 21680 आता है। ठीक, इस सेट का टोटल देखते हैं, 750 प्लस 8700 देन आपका 1200 और उसके बाद 25 150 1900 3200 और 2000 देन कम्स टू 600 फिर देन 500 और उसके बाद 900 प्लस 800 प्लस 100, 20825 डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20825 माइनस 21680, 855 रुपये का, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास भी यही डिफरेंस है 10100 और 9245 में। ठीक, 855 रुपये का, सिंपल है। चलिए, सो ये एक डिफरेंस था, इसके बदले आप क्वेश्चन
छो मतलब क्वेश्चन टिपिकल बिल्कुल भी नहीं था, मैं नहीं मानता इसको टिपिकल। इससे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 8 था जो इसी पेपर में आया। लेंदी था पेपर, पेपर लेंदी डेफिनेटली था। सो वो भी आप ट्राई कीजिएगा, अपन कर चुके हैं वैसे उसको। यही क्वेश्चन छोड़ा था अपन ने आखिरी क्लास के लिए। ठीक, आपको मालूम होगा अपन ने एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन में क्या किया था। यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा इन केस, तो आप सस्पेंस अकाउंट लिखिए। सस्पेंस मतलब ऐसे कुछ एरर होंगे जो हम बाद में देख लेंगे, अभी आप ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बना दीजिए। क्योंकि कोई भी एरर होता है, हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है, एरर नहीं मिलते इमीडिएटली नहीं मिलते, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दीजिए और उसके बाद फिर बैलेंस शीट ट्रेडिंग पेनल बना दीजिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा 3800 का और 855 का। ठीक, आपका क्लियर है? चलिए, इतना टाइम मैं समझ रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं होता कि हम ये सस्पेंस अकाउंट वाला कैलकुलेशन कर ले। कोई बात नहीं, आप तो अपना टोटल ऐसे करके भी छोड़ आते ना, तो भी काफ़ी नंबर मिल जाते आपको। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सारे क्वेश्चन इवन बहुत इजी है, आपको कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है बस। पेपर 4 बहुत सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो मैं बोलूँगा नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल आप पासिंग मार्क्स मतलब 55 से 60 और 65 मार्क्स आराम से ला सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपन आने वाली क्लासेज में, यहाँ तक तो अपन ने कवर अप कर लिए सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के। अब आने वाली क्लास में थोड़े सीए फाइनल से रिलेटेड या आईपीसीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं पुट करूँगा और क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो वो आपका एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ अपना सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक, और क्लास में आपको अपडेट करता रहूँगा पेपर 4B के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।